हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बाकी के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम अपने घर को चाइल्ड प्रूफ, बेबी प्रूफ कैसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, घर में मेडिसिन बॉक्स होना जरूरी है। घर में मेडिसिन बॉक्स हर किसी के घर में होता है, जिसमें हम अपनी मेडिसिन रखते हैं, या फिर खुली मेडिसिन अगर आप रखते हैं तो उन मेडिसिन को भी एक बॉक्स में डालकर कहीं ऐसी जगह पर रखते ताकि बच्चे का हाथ वहां तक ना पहुंच सके। मेडिसिन जो है वो बड़ों की मेडिसिन बच्चे खा लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हम एकदम से हॉस्पिटल भागेंगे, वहां पे हॉस्पिटल्स में बच्चों को लवाज दिया जाएगा या फिर वो मेडिसिन को निकालने के लिए जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो किए जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की जान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, तो इसलिए मेडिसिन बॉक्स जो है वो उनको बच्चे की पहुंच से दूर रखें। मेडिसिन के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, मोस्टली सिरप्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें मेडिसिन को, बच्चों की पहुंच से मेडिसिन को दूर रखें। तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए कि बच्चे की मेडिसिन को बच्चे की पहुंच से दूर रखें। सेवन्थ पॉइंट है कि शोपीस जो होते हैं, जैसे स्मॉल शोपीस होते हैं मोस्टली घरों में रखे हुए होते हैं, कॉर्नर्स में रखे होते हैं या फिर शोकेस में रखे हुए होते हैं, तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। या फिर ब्रोकन जो चीजें होती हैं, जैसे ग्लास के कुछ शोपीस होते हैं, ग्लास की कुछ डेकोरेटिव चीजें ऐसी होती हैं जो कि गिरने से टूट सकती हैं, ऐसी चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों की पहुंच से काफी दूर रख दें या फिर काफी ऊपर रख दें ताकि बच्चा जो है वो उन तक ना पहुंच सके। पहली बात है कि आपका जो डेकोरेटिव आइटम है वो गिर सकती है, वो टूट सकती है, और सेकंड हैंड है कि बच्चे को उससे इंजरी हो सकती है। हमारे इन दोनों चीजों में हमारा नुकसान ही होने वाला है, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें कि कोई भी ब्रोकन चीज जो है वो नीचे ना रखें या बच्चे की पहुंच तक ना रखें ताकि बच्चा उन तक पहुंचकर उसको तोड़ ना दे या वो गिर ना जाए बच्चे से और बच्चे को लग ना जाए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए, तो इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट एट पॉइंट है कि रूम के जो कॉर्नर होते हैं, मोस्टली घरों में आजकल कॉर्नर्स का बहुत ज्यादा रिवाज चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंडी है कॉर्नर्स, जो रूम कॉर्नर्स होते हैं बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, तो कोई भी रूम कॉर्नर ऐसा ना हो जो कि एकदम बच्चे के हाथ लगाने से या बच्चे के सहारा लेकर खड़े होने से वो गिर जाए। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी ताकि आप वो वीडियो जरूर देखें और उससे अवेयर रहें कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं हमारे घरों में, ऐसी होती है मोस्टली घरों में कि बच्चा जो है वो उनकी हेल्प लेकर खड़ा होना स्टार्ट करता है और वो बच्चे के ऊपर ही गिर जाती है। तो इसलिए अगर रूम कॉर्नर्स अगर आपने रखे हैं तो उनको या तो वॉल पे अच्छे से फिक्स करवाएं या फिर उनको ऐसी जगह पर रखें ताकि बच्चा जो है वो वहां तक ना जा सके या वहां उस रूम में ना जा सके। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि ये जो फर्नीचर्स होते हैं ये हैवी होते हैं, बच्चे के ऊपर गिर जाए तो बच्चे की बोन्स जो है वो ब्रेक हो सकती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए, हमारे घर को बेबी प्रूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट एट पॉइंट है, अगर आपका घर में भी ओपन किचन है, जैसे कि हमारी भी ओपन किचन है, तो ओपन किचन में कोई भी चीज ऐसी जैसे नाइफ हो गया, फॉक हो गया, ऐसी कोई भी शार्प चीजें जो है वो नीचे बेबी के पहुंच तक ना रखें, उनको ऊपर रखें ताकि बच्चा वहां तक ना पहुंच सके। क्योंकि नाइफ की हेल्प से भी बच्चा खुद को इंजर कर सकता है और फॉक की हेल्प से भी बच्चा जो है वो खुद को इंजर कर सकता है। तो इसलिए इस चीज का भी बहुत ध्यान रखें कि अगर आपकी किचन ओपन है, अगर तो डोर वाली किचन है तो डोर आप बंद कर सकते हैं, जैसे ही किचन का काम खत्म होता है तो डोर आप बंद करके रख सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली अब ट्रेंडी है कि किचन जो है वो ओपन होती है, तो ओपन किचन में इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसी शार्प चीजें बिल्कुल भी नीचे ना रखें जिससे कि बच्चों को उठाकर अपने आप को इंजर कर ले। तो इसलिए ऐसी चीजों का ध्यान रखें कि किचन में कोई भी ऐसी शार्प चीज जो है वो बच्चे की पहुंच तक ना रखें ताकि बच्चा उनको उठा ना ले। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है कि कुछ घरों में जैसे कि दो फ्लोर वाला घर होता है तो अंदर से ही स्टेयर्स होती है ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। तो अगर आपका भी ऐसा घर है तो वहां पर स्टेयर्स के पास गेट जरूर रखें ताकि बच्चा जो है वो स्टेयर्स पे ना जाए। क्योंकि जब बच्चे क्रॉल करने लगते हैं मोस्टली प्रॉब्लम्स तभी बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो स्टेयर्स भी चढ़ने लग जाते हैं, क्रॉल करते करते बच्चे जो है वो स्टेयर्स चढ़ने लग जाते हैं और जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो मोस्टली बच्चे जो है वो गिर जाते हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि अगर ऐसा घर है जहां पर स्टेयर्स हैं तो वहां पर गेट जरूर लगवाएं या फिर उस एरिया को कवर करके रखें। मोस्टली यही सेफ होता है कि वहां पर गेट हो ताकि हम गेट को बंद कर दें, अगर हम ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे आ रहे हैं तो गेट को हम बंद कर दें ताकि बच्चा जो है वो सेफ रहे, किसी भी फ्लोर पे हो बच्चा जो है वो सेफ रहे।
और 10th पॉइंट है कि अगर घर में वॉल्कनीज है तो वॉल्कनीज में जरूर 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 अपने साथ रखें बच्चे को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केसेस देखने में आते हैं कि बच्चा जो है वो वॉल्कनी से गिर जाता है। बहुत छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी वॉल्कनी से गिर जाते हैं, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें कि वॉल्कनी की जो साइड्स होती हैं, जो वहां पर रेलिंग्स होती हैं, वो बच्चे के लिए सेफ हो, और बालकनीज पे कोई भी ऐसी चीज ना रखी हो ताकि बच्चा उनके ऊपर चढ़कर बाहर की तरफ को देखे या बाहर की तरफ को झांकने की कोशिश करे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली न्यूज में भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चा चेयर पे बैठकर वॉल्कनीज में, कि बच्चा चेयर पर बैठा था वॉल्कनी में और वो थोड़ा सा उठ के बाहर की तरफ झांक रहा था और बच्चा गिर गया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं, इसलिए इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि अगर बच्चे को आप वॉल्कनी में लेके जा रहे हैं तो अपने साथ जाए और अपने साथ ही बच्चे को अंदर लेके आए, और वॉल्कनी का डोर जो वो हमेशा बंद रखें। जब भी आपको जाना है, कोई काम करना है, तब आप बाहर जाए, अदरवाइज उस डोर को बंद रखें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर बच्चा ऊपर से गिरता है तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केसेस हमने देखे हैं, बहुत ज्यादा गंदे रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं हमें। तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि अगर वॉल्कनी है तो उसका डोर जो है वो बंद रखें, बच्चे को अकेला वॉल्कनी में ना छोड़ें। ये थे कुछ 10 पॉइंट्स जो कि हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाएंगे, हमारे घर को बेबी प्रूफ बनाएंगे, जिससे कि हमारा छोटा बच्चा, जो कि हमारा बच्चा भी ग्रो कर रहा है आगे की लाइफ देखने के लिए, तो उस बच्चे को हम कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे हम अपने घर को चाइल्ड प्रूफ रख सकते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीजों से अपने आप को इंजरी ना पहुंचा ले। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, आपको भी ये वीडियो यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मोस्टली लोगों को पता भी होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ये पॉइंट जो है वो इग्नोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सफर करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।